नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 212वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नंबर एक, स्वेज कनाल में फंसे जहाज को हटाने में मिली सफलता। इजिप्ट की स्वेज नहर में करीब एक सप्ताह से फंसे मालवाहक जहाज एवर गिवन को नहर के किनारे से हटा लिया गया है। जहाज की दिशा को 80% तक ठीक कर लिया गया है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि नहर में यातायात फिर से शुरू हो जाएगा। स्वेज कनाल के अवरुद्ध हो जाने के बाद से पिछले कुछ दिनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और वैश्विक व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। इस 2,00,000 टन वजन के जहाज को किनारे से हटाने के लिए जहाज को खींचने वाली नौकाओं का इस्तेमाल किया गया है। नंबर दो, ICC ने एक दिवसीय और 2020 रैंकिंग की जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने एक दिवसीय और 2020 रैंकिंग जारी कर दी है। एक दिवसीय रैंकिंग में रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर बने हुए हैं। गेंदबाजी में भारत के भुवनेश्वर कुमार टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। वे 5 स्थानों की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वनडे के साथ साथ ICC ने 2020 रैंकिंग भी जारी की है। इसमें विराट कोहली को 1 स्थान का फायदा हुआ है और वे 4th पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं रोहित शर्मा को 3 स्थान का फायदा हुआ है और वे 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। श्रेयस अय्यर को भी 2020 रैंकिंग में फायदा हुआ है। वे 5 स्थान की सुधार के साथ अपने करियर बेस्ट 26वें पायदान पर पहुंच गए हैं। डेविड मलान T20 रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। नंबर तीन, अर्थ आवर डे 2021। बिजली बचाने के मकसद से दुनिया भर में विश्व भर में अर्थ आवर डे मनाया जाता है। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का एक अभियान है। इसका मकसद लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। अर्थ आवर के दौरान दुनिया भर के नागरिकों से न सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद करने की अपील की जाती है, बल्कि सौर ऊर्जा को भी अपनाने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में अर्थ आवर डे 27 मार्च को मनाया गया है। बात करें इसकी शुरुआत की तो अर्थ आवर की शुरुआत वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी और धीरे धीरे यह दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। नंबर चार, नासा ने किया मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसे बादलों की वीडियो को साझा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों के आश्चर्यजनक वीडियो फुटेज साझा किए हैं। इस वीडियो से यह अनुमान लगाया गया है कि ये बादल उसी तरह के हैं जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं। आपको बता दें कि क्यूरियोसिटी रोवर को नासा द्वारा अगस्त 2012 में लाल ग्रह पर जीवन की खोज करने के लक्ष्य से उतारा गया था। हालांकि मंगल ग्रह के यह बादल पृथ्वी के बादलों के समान दिखते जरूर हैं, लेकिन पृथ्वी के विपरीत मंगल ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिस कारण मंगल ग्रह पर घने बादलों का निर्माण संभव नहीं है। आशंका लगाई जा रही है कि इन बादलों का निर्माण उस धूल के कारण हुआ होगा जो अंतरिक्ष में मलबे के वायुमंडल से टकराने पर उत्पन्न होती है। नंबर पांच, चीन ईरान संधि। चीन और ईरान की सरकारों ने 25 साल की रणनीतिक संधि को मंजूरी दे दी है। इस संधि का खाड़ी क्षेत्र और बाकी दुनिया पर भी दूरगामी असर होगा। चीन ईरान संधि से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान भी अब भागीदार बनेगा। इससे ईरान की सुरक्षा में चीन की भूमिका भी बढ़ जाएगी। इसे खास तौर पर अमेरिकी लीडरशिप वाली विश्व व्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस नई संधि के तहत चीन ईरान में $400 अरब का निवेश करेगा। इन दोनों देशों की इस नई संधि से पूरे पश्चिम एशिया में चीन का दबदबा भी बढ़ेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि निम्न में से किस देश में वर्ष 2022 में विश्व की पहली शिप टनल सुरंग का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, चीन, नॉर्वे या मालदीव। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 38। आप में से उनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है।
आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक